नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक गाँव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उसने मन बहलाने के लिए एक नेवला पाल लिया था। नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। ब्राह्मणी को नेवला बहुत अधिक प्यारा था। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारी संतान हो गई है, इसलिए नेवले को घर से निकाल दो, कहीं ऐसा न हो कि नेवला बच्चे का नुकसान कर दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पालने के पास आराम कर रहा था। बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं, परिणाम बुरा ही होता है। हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। नेवला जब आराम कर रहा था, इतने में किसी तरफ से घर में एक सांप आ गया। वह बच्चे की ओर काटने को बढ़ा। नेवले ने यह सब देख लिया। नेवला सांप का शत्रु होता है। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून ही खून हो गया। नेवले ने बच्चे की जान बचा दी। यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। ब्राह्मणी जब कुएं से पानी भरकर लौटी तब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा। वह नेवले को देखकर घबरा गई और यह न समझी कि उसने बच्चे को मार डाला है। इसीलिए गुस्से में ब्राह्मणी ने नेवले पर पानी भरा घड़ा दे मारा। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर गई। देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है, पास में सांप मरा पड़ा हुआ है। यह देखकर वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसको अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी छाती पीटने लगी। हाय, मैंने क्या किया, पश्चाताप करने लगी। अब क्या हो सकता था। बिना बिचारे आगे पीछे देखे बिना अचानक निर्णय लेने का ऐसा ही दुष्परिणाम सामने आता है। यदि आपका स्वभाव भी इस प्रकार का है तो इसे बदलिए, अपने को बदलिए। जिंदगी जीने के लिए है। सुखद और शांत जीवन के लिए इस प्रकार भी देखा गया कि कुछ लोगों में शानदार प्रतिभा होती है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, उनमें अनेक गुण अनेक विशेषताएं होती हैं, पर अपने स्वभाव के कारण वह अलोकप्रिय हो जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है, उनके सारे गुण दब कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।